ये सेवा पेन है, शुरू करें। ये सेवा पेन है सर, ये इसकी वैल्यू अबाउट 7 लाख है और ये फुल सिल्वर का है और इसमें जहाँ जहाँ आप फुल देख रहे हैं ये इसमें गोल्ड 18 कैरेट गोल्ड है ये, और इसकी निब भी जो है प्योर 18 कैरेट गोल्ड की है। और ये 108 पीस बने थे वर्ल्ड में और इसका लास्ट पीस बचा है। अच्छा अच्छा, इसी का ऐड आप दे रहे थे। जी जी, इसमें शिवा के कई रूप बने हुए हैं। हाँ, और इसके ऊपर टॉप पे ब्लू डायमंड लगा हुआ है। वो खाली आपका कहने की वजह से हम मुझे भी बस कलेक्शन का शौक है सर, मतलब कंपनी ओपन हो गया और ज़्यादातर वर्ल्ड के जितने भी फोन से जहाँ कहीं से मिल जाता है। पॉकेट में रखिए सर, पूरा पॉकेट में रखिए। क्लिप नहीं है एक्चुअली, कोई नहीं। आपने ये पेन देखा है, सिवा पेन कैसा लगा आपको, उसकी क्या क्या खासियत बताइए। ये बहुत ही रेयर कलेक्शन है, जैसा कि मुझे पता लगा था कि 108 पेन पूरे वर्ल्ड में बने थे और सारे बिक गए, अकेला लास्ट पीस बचा था ये तो। बट इट्स वेरी कॉस्टली पेन, तो मुझे खाली ये था कि एटलीस्ट देख लूँ, और मैंने और दूसरा पेन लिया है यहाँ से। कलेक्शन इनका बहुत अच्छा है और उस पेन का तो कोई जवाब ही नहीं। सर, आपने यहाँ प्रदर्शनी लगी है, कैसा लगा कि पेन की प्रदर्शनी लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या खासियत? वो जिसको इसका शौक है वही भी जान सकता है, और ऐसा नहीं, जो लोग शौकीन हैं वो यूज़ ही करते हैं पेन, और पेन का कलेक्शन बहुत अच्छा चीज़ होती है। जयंत वर्मा हूँ मैं। एक ज्वालामुखी और पानी वाला चलने वाला पेन, यही चाहता हूँ। बोलो बोलो।
आपके यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई पेन्स की, कौन कौन सी क्वालिटी के पेन हैं जो बहुत ही कम रेयर केस में दिखते हैं आपको? एंटीक पीस इस बार बहुत ही अलग पेन आए हैं और उनकी रेंज जो है वो 1000 रुपीज़ से लेकर 7 लाख रुपीज़ तक की है। अलग अलग कंपनीज़ के हैं, हमारे पास क्रॉस कंपनी का है, फिर कैरन डैश का है, पाकर का है, लैमी का है, विस्कॉन्टी का है, ऐसे। और एक ये है जो कि ये पेन है, ये लावा से बना हुआ है, जो वोल्केनो का लावा निकलता है उससे बना हुआ है। और कंपनी ने इसके साथ उसके पत्थर भी भेजे हैं, जिस माउंटेन से उन्होंने बनाया है वहाँ के पत्थर भी वहाँ साथ से आए हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया शिवा पेन है, कितने का पेन है ये? 29,000 रुपये करीब का है। ये दो मॉडल हैं उससे बने हुए हैं, फाउंटेन पेन है, एक रोलर पेन है, दो पेन है इसमें। देन ये एक फेदर पेन है, ये जो बर्ड होती है उसके फेदर से बनाया हुआ है, जो हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे कि लोग फेदर पेन से लिखते हैं, उसी टाइप का है ये। और जिस कलर का फेदर है उस कलर की इंक है इसके साथ में, तो इससे लिखने में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। फिर ये एक शिवा पेन है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव पेन है, ये खाली 108 पीस बने थे वर्ल्ड में और इसका भी लास्ट पीस बचा हुआ है। ये इसका डमी मॉडल है, ओरिजिनल मॉडल ऑर्डर पे आएगा। और इसमें शिवा के कई रूप हैं और इसमें डायमंड भी लगा हुआ है, इसकी निब पूरी गोल्ड प्लेटेड है, 18 कैरेट गोल्ड की है जी, ये इसका डायमंड लगा हुआ है इसमें। देन ये भी कैरन डैश कंपनी का है, ये इंडियन इनले वर्क के हिसाब से है, नया है ये फुल, ये जो गोल्ड देख रहे हैं पूरा गोल्ड होगा और इसकी गोल्ड निब भी गोल्ड प्लेटेड है और ये अबाउट 3 लाख रुपीज़ का है। सर एक आपका पानी से चलने वाला नहीं, पानी में ये एक पेन है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसमें इसकी खासियत ये है कि ये इसका स्पेशल पेन है, तो इसको जब आप लिख के इसको पानी में डालते हैं तो ना पेपर ख़राब होता है ना इंक इसकी जाती है। ये इसमें करीब ये 10 तारीख से इसमें पेपर पड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इंटैक्ट है और अच्छा है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इस पे जो स्पेस पे जो लोग जाते हैं, नासा के जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो ये वाले पेन यूज़ करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हर सरफेस पे लिख सकते हैं और दूसरी चीज़ है कि ये हर 360 डिग्रीज पे भी लिख सकता है, अगेंस्ट ग्रेविटी लिख सकता है ये। क्या इसकी कॉस्ट क्या है? ये 3000 से शुरू होते हैं और 15-20,000 तक जाते हैं। हाँ यस, हाँ ये इसको हम इस पे लिख रहे हैं और ये इसमें लिखने के बाद हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं और ये इसमें बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, सिक्योर रहेगा, ना पेपर गलेगा ना जो लिखा है वो मिटेगा। ठीक है सर जी, how are you? दिवाली पे दे रहे हैं, यू कैन गिव अ गोल्ड बिस्किट आल्सो, दिस इज अ पेन ड्राइव नॉट डेडिकेटिंग अ गोल्ड बिस्किट। इसको भी देखते हैं। सही, आपने जो पेन अभी देखे हैं तो देखे क्या क्या खासियत लगी, कैसे लगे? एक तो शिव भगवान पे आधारित है, ये हेरिटेज पेन है जिसमें
पर डायमंड तो लगा हुआ है खूबसूरती के लिए, बड़ा महंगा डायमंड है, पर असलियत इसमें यह है कि इसमें शिव जी सब तरफ हैं। तो जो हम लोग धार्मिक हिंदुस्तान में थोड़ी सी भावना रखते हैं, हम लोग के लिए बड़ा अच्छा पेन है। इसकी कॉस्ट है करीब 7 लाख रुपये जो हमने बताई गई हमको, और दूसरा जो देखा था वो गोल्ड पेन था, उसकी कीमत करीब 3 लाख है, और ये प्योर गोल्ड की निब भी है और इसका फ्रेम भी गोल्ड का है, बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप लेंगे इस पेन को? मन तो कर रहा है पर हम इसको लेंगे नहीं, हम इसको ले नहीं पाएंगे, और बड़े बड़े बिजनेस, मैं तो सर्विस क्लास का आदमी हूँ, बिजनेसमैन इसको ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं बिना दो बार सोचे हुए। खासियत क्या है इसका ये बताते नहीं। इसमें 18 कैरेट गोल्ड की नींद लगी हुई है, प्लस ये ब्रास के ऊपर हैंडवर्क है, हैंडक्राफ्ट पूरे हाथ से बनाया गया है। आपको जितना ये गोल्ड का दिख रहा है गोल्ड प्लेटेड, जितना सिल्वर प्रोसेस सिल्वर प्लेटेड है, गणेश जी की इसमें आकृति बनाई गई, घर भी है, कैप पे भी है, प्लस कैप पर जो सूंड बनाई गई है क्लिप है वो गणेश जी की आकृति सूंड का है। ऊपर इसका रूबी लगा हुआ है, स्टोन लगा हुआ है इसके लिए, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कुल 388 पेन बनाए गए हुए हैं। दोनों एक साथ कर देंगे सर, दोनों एक साथ, ये वाला छुपा हुआ है। ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, ओम श्री गणेश नहीं, ओम गणेश लिखा हुआ, प्लस जहाँ पर ग्रिप है वहाँ पर आप स्वास्तिक बना हुआ है। इसकी नेप प्रोटेक्टेड लगी हुई है, और इसके पेन के ग्रिप के ऊपर भगवान शंकर के त्रिशूल बने हुए हैं और त्रिपुट बना हुआ है। गौर से देखें तो त्रिशूल के साथ त्रिपुट बना हुआ है इसके, ठीक है। और इसके टॉप पर ब्लू सफायर का डायमंड का एक इंप्रेशन है, ये देखिए, और पूरा हैंडवर्क है। पर्यावरण इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड केवल एक पेन बचा हुआ है, ये लास्ट पीस है, इस पर भगवान शंकर की विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं इसके कैप पर अलग अलग आकृतियाँ हैं, और पेन की बॉडी पर भी अलग अलग आकृतियाँ हैं। करंडास कंपनी ने बनाए रखा है, और अपने में बहुत ही, इसके ऊपर एक देखिए आप बहुत करिए त्रिशूल के पास में, यहाँ पर देखिए डायमंड लगा रखा है, दिख रहा है आपको डायमंड लग रहा है, और कैप पर ब्लू सफायर का इंप्रेशन है, यहाँ पर बहुत ब्लू सफायर लगा हुआ, और ये यहाँ पर एक डायमंड लगा हुआ है। पेन करेंट डेस्क कंपनी ने बनाया है, इसमें जितना भी आपको गोल्ड वर्क दिखा ये प्योर गोल्ड वर्क है, निब भी इसके 18 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है, क्लिप भी गोल्ड की है, सब चीज़ में पूरा पूरा का गोल्ड बना हुआ है। इसकी कास्ट अप्रॉक्स 3 लाख है। आगे रुपया बढ़ा के लिए अपने रखेंगे क्या पैसे छोटी भी आती है।
ये तो निकल।